तो स्वागत है आप सभी लोगों का नई वीडियो में। और भाई कौन सी वीडियो में? नई वीडियो में। अच्छा, तो तो भाई अभी हम जा रहे हैं, आपने फोटोज में अगर LLC सर्च करोगे तो आपको आएंगे जहाज खड़े हैं, पुराने जंग लग गए हैं उन पे, और मतलब वो खड़े हैं, बस खत्म होने वाले हैं वो। तो इन्होंने क्या सजा दी है यहाँ पे, तो यहाँ से टैक्सी लेनी है और हमको जाना है 4 किलोमीटर दूर, और सब जाके वहीं पे समझाऊंगा। रोड कब तक देखोगे भाई, है ना? यहाँ से कर ले बार्गेन अपने हिसाब से। अरे इतनी मशीन मेरे को भी नहीं आती ना, हमने बस इसको फोटो दिखाई। दीपांशु ने कहा मैंने कर ले बार्गेनिंग। 10,000 भाई बड़ा कॉमेडी है। कितने माना, कितने माना? 10,000 में। भाई यहाँ पे टैक्सी वाले ने छोड़ा और हमको लग रहा है कि अंदर जाने के लिए टिकट लगेगी। ये म्यूज़ियम है तो ये पता नहीं क्या है। अब तो यहाँ पे सब कह रहे हैं, दीपांशु कह रहा है अरे यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, अब देखते हैं भाई क्या होता है, पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते। ये वैसे दीपांशु सही निकला यार, रास्ता तो यहीं से जहाज़ों के लिए। पर भाई वो म्यूजियम भी चलेंगे, ये कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। भाई मैं तो जाऊंगा क्योंकि मेरे को थोड़ी हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट है, तो अपना म्यूजियम चलेंगे। पीछे सूरज आ रहा है तो थोड़ी वीडियो ऐसी बन रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यार इसकी मेरे को ना थोड़ा डाउट सा हो रहा है, वो मैं आपको नीचे जाके समझाता हूँ क्या डाउट हो रहा है। देखो भाई यहाँ पे खड़े हैं जहाज और इनको देखने आते हैं टूरिस्ट, ये पुराने जंग लग गए हैं। दिखाऊँ तो कितने खड़े हैं, गिनते हैं चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वहाँ पे एक और 10 और वो दूर और हैं 11, 12, 13 हैं। तो भाई लोग कहेंगे कि समुंदर सूख गया तो ये जहाज़ यहीं पे खड़े रह गए और जहाज़ कहीं जा नहीं पाए तो इसलिए यहीं पे खड़े हैं। भाई मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि भाई अगर समुंदर सूख रहा है तो भाई ऐसा थोड़ी है लोग छोड़ के भाग गए कि जहाज़ कहीं छोड़ देते, समुंदर सूख रहा है और एक दिन में थोड़ी सूख गया कि रात को पार करके गए और सुबह सूख गया तो ये जा नहीं पाए। भाई मेरे को लग रहा है इन्होंने जानबूझ के जो थोड़े बहुत चिप्स मतलब पुराने हैं यहाँ पे रख दिए हैं, और सारे तो स्क्रैप हो गए हैं क्योंकि LLC से कहीं जा तो पाए नहीं, उनको ट्रांसपोर्ट कर नहीं पाए, तो और सारे तो स्क्रैप कर दिए और इन्होंने यहाँ पे एज ए टूरिस्ट प्लेस बना दी कि भाई आके देख लो हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, सोवियत के टाइम में हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तो इन्होंने ऐसे ये रख दिए हैं यहाँ पे जहाज। तो ये मेरे को डाउट है भाई, ऐसे कैसे रह गए, ऐसे थोड़ी रह सकते हैं ये कि यहाँ पे खड़े खड़े रह गए, ये नहीं है। ये है कि भाई ये मतलब इन्होंने ऐसे वो बनाया, और देखो चारों तरफ बाउंड्री भी कर दी है कि ये 7-8 शिप खड़े हैं, उनको पता नहीं ऐसे क्यों कर रखा है, वो बेचारे अकेले बैठे हैं वो वाले जहाज। तो ये देखने आते भाई, मैं इससे बताऊँ इससे अच्छा एक्सपीरियंस आपको होगा LLC जाओगे तो। लोग यहाँ तक आके चले जाते हैं देखते हैं पुराने जहाज हैं, पर आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा LLC जाके, जो इससे पिछली वीडियो है। ये देखो भाई ये शिप को क्या हुआ, मतलब लोहा गायब ही हो गया बिल्कुल, मेरे को लग रहा है लोग निकाल के ले गए हैं, असली बात तो यही है लोग निकाल के ले गए हैं लोहा, और एज ए म्यूजियम यार खड़े कर रखे हैं। असली वाले होते तो भाई अलग ही मज़ा आ जाता, मतलब शिप तो असली है पर ये मतलब असली में यहाँ फंसे नहीं होंगे, ये लाए गए हैं और यहाँ रखे। ओ भाई चाहिए कहाँ से उग गया, LLC में सब उग गया भाई अब बिल्कुल। ये मतलब इसको देख के ना मेरे को वो आता है याद, जैसे जो होते हैं ना घोस्ट शार्क, मतलब जो मर जाते हैं शार्क उसका कंकाल ऐसा होता होगा और वैसे घूमते होंगे। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन अगर किसी ने देखा तो रेफरेंस समझ जाएगा। गबरू दी गड्डी भावे जी क्लास नी।
तो यहाँ पे भाई आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि कैसी फोटो ले सकते हो आप। तो भाई यही है बस, और क्या है। मैं तो भाई सच में यार, लोग यहाँ पे आके इसको देख जाते होंगे, हैं सब बता दो, लोग यहाँ पे आके इसको देख जाते होंगे, पर वर्थ क्या है एरलसी जाने यहाँ आना। भाई देखो, अगर किसी को फोटो थंबनेल डालना है तो वर्थ ही है, और अगर किसी को एक्सपीरियंस लेना है तो एरलसी जाओ भाई। यहाँ वैसे हम 10,000 में पहुंच गए, एरलसी में हम पहुंचे 17,00,000 में। अब क्या है कि देख, लोग इस वीडियो के ऊपर क्लिक ज्यादा करेंगे। हाँ। क्योंकि अबैंडन्ड। ओ भाई पता नहीं क्या, और ये ला के रखे हैं यहाँ पे। हाँ। बच्चे आ गए यहाँ पे देखो, रात को खेलने। वो यहाँ पे शिप्स पे सीढ़ियां भी लगा दी हैं चढ़ने के लिए। चलते हैं इस वाले शिप के ऊपर, ये वाला बड़ा है थोड़ा, और इस पे भी सीढ़ियां हैं भाई चढ़ने के लिए। पहुंच गए भाई जहाज के ऊपर। ये कुछ नहीं है यार यहाँ पे भी, मतलब जब एरलसी देखा है ना तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, फोटोज में लगता है कि भाई मजा आएगा, बहुत आएगा, पर ठीक है, कोई अगर इतना दूर नहीं जाना चाहता तो भाई यहाँ पे भी संतुष्टि कर सकता है। चढ़ गए हम जहाज पे, इस वाले पे चढ़ना आसान है, उस वाले पे देखते हैं चढ़ पाते हैं। देखो बंदे अपने जहाज पे अपना नाम लिख रहे हैं यार, ये गोरे भी हरकतें करते हैं ऐसी, और लोग कहते हैं कि इंडियन नहीं करते। नहीं भाई, गोरे भी देखो कर रहे हैं। देख लो, लोग सोचते हैं गोरे बड़े बड़े से आने लोग होते हैं। मैं अंदर घुस जाऊंगा क्या? वो निकाल लोगे क्या मेरे को? भाई यहाँ पे वो हो सकता है, टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, ध्यान से चलना। अरे हाँ भाई, ये क्या गंदा छिल जाएगा यहाँ पे भाई, थोड़ा ना देखो नीचे से बिल्कुल गल चुका है ये, कहीं पे भी नीचे डल सकते हो। ओ पैसा बोलता है भाई, यहाँ से आज रास्ता जाने का, आ जा ये रहा, चले ना अंकुर। कोई शार्क मछली आ गई तो यहाँ पे, यहाँ से देखो आपके चढ़ने का भी है, यहाँ से चढ़ते होंगे लोग। यार मेरे को पीछे जाने का होगा, इसमें पीछे जाने का नहीं है। ये मेरे जूते एरलसी में जाके गंदे हो गए थे भाई पूरे, आज जाके इनको धोऊंगा, वरना लोग सोचेंगे पता नहीं भाई कहाँ से आया है। ये है शिप, भाई यहाँ पे देखो अपना नाम लिख के गए हुए हैं प्यार करने वाले। भाई ये क्या चाहते हैं, इनका भी अंत ऐसा ही हो जाए जैसे इस एरएलसी का हुआ है, पता नहीं कहीं पे भी लिख देते हैं बिना सोचे समझे। भाई कसम से यहाँ पे खीवा बुखारा वाला वेदर होता ना, 45-50 डिग्री, मैं दो फोटो खिंचाता भाई, चलो हो रही है वीडियो मैं नहीं बना रहा, बन जाते बिल्कुल यहाँ पे। पर यहाँ पे वेदर भाई ऐसा है भाई, मजा ही आ रहा है मतलब यहाँ पे तो। तो ये ज़्यादा सही जगह लगी मेरे को तो, खीवा बुखारा वगैरह से, और अबैंडेंट चीज़ें तो आपका विजिट करते रहता है। बोलीविया में पता नहीं अबैंडेंट ट्रेन पे चला गया था, फिर यूक्रेन में तो पूरा अबैंडेंट ही चला गया था। मैं ढूंढता रहता हूँ ऐसी चीज़ें, अगर अबैंडेंट मिल जाती है ना मज़ा आता है देखने में। यहाँ तो नहीं होता होगा बाजी वाली, बाजी है वो शीशा दिख रही थी बहन चोद यहाँ पे। ये तीन जहाज बेचारे अलग से खड़े हैं यार, इनकी कोई इज्जत नहीं है। ये लकड़ी वाला यार, और सारे तो लोहे के हैं। अंदर से तो ये भी लोहे है, ये ओ भाई सिर पे लगता भी है। ये वाला बहुत बड़ा लग रहा है भाई, मैं कह रहा था ना समुंदर कम से कम थोड़ा बहुत तो गहरा होगा, अगर पिछली वीडियो में देखी तो वो देखो पहले जाके, थोड़ा बहुत तो गहरा होगा 50-100 फुट जितना, तो कि जहाज कह रहा हूँ जहाज तैर सकें। यहाँ बताया थोड़ा था, इतना हो गया। और अभी इतना बचा है बस। मैं भी ऊपर चढ़ के आया क्योंकि वो सब कह रहे भाई हमको नहीं जाना म्यूजियम, मैंने कहा मेरे को तो जाना है, तो इसलिए थोड़े सांस चढ़ गए हैं। अब मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ, वैसे पिछले वीडियो में भी समझाया था पर इस वीडियो में दोबारा समझा देता हूँ। देखो भाई लोग, 1960 में ये था उज़्बेकिस्तान, वो कजाकिस्तान, ये मोयांग जिस शहर में हम पिछले दो दिन से रुके हुए हैं। इतना बड़ा था एरलसी, फोर्थ लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड आफ्टर कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। क्या करें, इन्होंने दो नदियाँ आती थी उनका रास्ता रोक दिया फार्मिंग करने के लिए कॉटन की,
तो पानी सूखने लग गया 1970 में, 10 साल में इतना सूख गया, ठीक है। फिर 1980 पे आते हैं, 1980 पे इतना सूख गया जो येल्लो पार्ट दिख रहा है आपको। फिर सीधा 2000 पे आ गए, 2000 में इतना सूख गया, 2008 में ये हालत हो गई। और अब 12 साल की बाद की फ़ोटो तो नहीं है, पर 2016 में ये हालत हो गई है। इस तरफ तो लगभग सूख चुका है। यहाँ कहीं हम कल गए थे ड्राइव करके, यहाँ से थोड़े डिस्टेंस लिखे हैं, साउथ पोल है 15,000 किलोमीटर, वाशिंगटन 10,000 किलोमीटर, लंदन 4,000, ब्रसेल्स 4,000, न्यू दिल्ली भाई साहब कर दी ना मौज 2397 किलोमीटर, रियो डी जेनेरो भाई एक और शहर जो मैं भी विजिट करके आया हूँ, उस तरफ भी काफ़ी लिखा, बॉम्बे भी तो नहीं लिखा, ताशकंद 881, सियोल इतना इतना इतना। ये एक छोटा सा मोन्यूमेंट बना रखा है इन्होंने अरालसी की याद में, यहाँ पे लिखे सारे डिस्टेंस। और एक बार और दिखाई देता हूँ, यहाँ पे खड़े हैं सारे शिप्स जो कि मतलब एक घेरे में खड़े कर रखे हैं, ये है सारे शिप्स। भाई मैं अभी ऊपर से दोबारा नीचे आ गया, यहीं पे फ़ोटो खींच रहे हैं, कह रहे थे यहीं पे, पर दिख नहीं रहे हैं अभी कहाँ पे है। अबे मक्खी, ये देखो गोप्रो उड़ा रहे हैं। अरे गोप्रो नहीं है भाई, मतलब ड्रोन नहीं लेके आए तो बंदे गोप्रो उड़ाएंगे अब। ओ भाई ये ऑन हो गया था, ड्रोन की कमी महसूस हो रही है। अरे भाई YouTube से इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, क्या बताऊं, हजम नहीं हो रहा मेरे को, उड़ा रहे कैमरे। जस्ट किडिंग गाइस, यार प्लीज प्लीज आप अनसब्सक्राइब मत करना प्लीज, मजाक कर रहा हूँ यार। तो करा है भाई टूर खत्म, कुछ अलग चीजें मेरी वीडियो में देखने को मिलेगी, जो मैं ऊपर गया था वहाँ पे फरेब भाई, ये प्योर फरेब है एकदम, ठीक है। और कुछ फरेब फरेब ये फरेब, ये देख यार मेरे से पहले वीडियो डालेगा फिर भी, मतलब दूसरों की ना चलते हुए देख के इनको कितनी खुशी। नहीं नहीं भाई भाई क्या नाम है, नवंकुर भाई से मैंने क्या क्या चुराया है, नवंकुर भाई से मैंने पोस्ट चुराया आज तो, पोस्ट अच्छा फोटो वाले, और ओ बच्चे